नमस्कार, मैं विजय कुमार डेहरी, डिप्टी कलेक्टर मणिपुर। आज का यह वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य ऐसे एस्पिरेंट्स जो तैयारी में लगे हुए हैं या जो दूसरे जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको अवकाश लीज से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी सभी डाउट्स का क्लियर यहाँ। जब हम बात करते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर एसडीएम को कितनी छुट्टी मिलती है या फिर अन्य अधिकारियों को कितनी छुट्टी मिलती है, ये वीडियो टोटल अवकाश पर निर्धारित है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे क्लास टू ऑफिसर्स की बात करें, क्लास वन ऑफिसर्स की बात करें या हमारे क्लास थ्री ऑफिसर की बात करें, कोई भी ऐसा अधिकारी जो मध्य प्रदेश की सेवा में है, मध्य प्रदेश की सेवा में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो संविदा पर नियुक्त होंगे या डेली बेस पर होंगे, यह पीडीओ उन पर लागू नहीं होता है। अर्थात मैं इसमें एक नियम बता रहा हूं, मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977। जब मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 की बात करते हैं, यह नियम उन सभी शासकीय कर्मचारियों पर लागू होता है जो मध्य प्रदेश की सेवा में। यह नियम हमारे संविदा, डेली बेस और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। जो मैं अवकाश के प्रकार बताऊंगा, जिनका टाइम ड्यूरेशन बताऊंगा, इन लोगों पर ये लागू नहीं होता है। अर्थात जो अवकाश के प्रकार हैं उसमें एसडीएम के भी हो सकते हैं, ज्वाइंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर या फिर हम बात करें अन्य जो अधिकारी हैं, चाहे वो एक पटवारी हो, आरआई हो, क्लर्क हो, टीचर हो, सभी पर ये लागू होता है। इसलिए सभी शासकीय कर्मचारियों का वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो हम प्रारंभ करते हैं हमारे मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 की। तो यह जो रूल्स है या नियम है 1 अक्टूबर 1977 से लागू है। इसके अंतर्गत जब हम एक नियम 6 की बात करते हैं, नियम 6 में यह उल्लेख है कि कोई भी अवकाश किसी शासकीय कर्मचारी का अधिकार नहीं है। अर्थात आप अधिकार या राइट के तौर पर अवकाश नहीं ले सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है आपके वर्क और आपके जो अवकाश को स्वीकृत करते हैं उनके ऊपर। अर्थात आपके इस बहुत सारे अवकाश अलग अलग नियम हैं, उन नियमों के आधार पर आपकी लीव सैंक्शन होती हैं और उन्हीं के आधार पर आप छुट्टियों पर जाते हैं। एक है नियम 9, जिसमें कि जैसे अलग अलग दो प्रकार के अवकाश आपने स्वीकृत किया है, मतलब कि आप छुट्टी में जाते हैं तो एक प्रकार का अवकाश आपका समाप्त हो जाता है, तो दूसरे प्रकार के अवकाश को आप इसमें संयोजित कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कि हम पूरे सेवा काल में, हमारी पूरी सर्विस के दौरान अधिकतम 5 साल का अवकाश ले सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज्यादा कोई भी अवकाश, किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं है, पूरे सेवा काल की बात कर रहे हैं। जब हमको कोई अवकाश लेना रहता है तो जो हमकी सैंक्शन अथॉरिटी रहती है उसके पास हमको आवेदन देना होता है। आवेदन प्रपत्र 1 में होता है, जिसमें हमको यदि बात करें कि 21 दिन पूर्व हमको अवकाश के लिए आवेदन देना होता है और अवकाश पूर्व स्वीकृति होना चाहिए। पूर्व स्वीकृति आधार पर हमको मुख्यालय का त्याग करना चाहिए। जब हम बात करते हैं अवकाश के प्रकारों की, तो जो सैंक्शन अथॉरिटी है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका वर्क क्या है, आप किस पोजीशन पे हैं, आपसे यदि आप अवकाश में जाते हैं तो किस अधिकारी को आपका चार्ज दिया जाएगा, प्रभार सौंपा जाएगा, क्या उस समय कोई इमरजेंसी तो नहीं है जिससे कि हमारे कार्य को प्रभावित होगा। तो कुछ कुछ अवकाश के जो प्रकार हैं जो सभी शासकीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला आता है सीएल। आप बहुत सारे जो एम्प्लॉयज होंगे या फिर जो अन्य स्टूडेंट होंगे या सभी लोग हैं, वो एक सीएल का नाम सुनते हैं, कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश की बात करें। प्रत्येक शासकीय कर्मचारियों को 13 दिन की आकस्मिक अवकाश से सीएल मिलता है, जो हम इमरजेंसी में कभी भी लेते हैं। जैसे मान लो सपोज मुझे अचानक से कल कहीं जाना है
अचानक से कोई काम पड़ गया तो उसके लिए मैं एक आवेदन दूंगा अपने कार्यालय प्रमुख को, वो उसको स्वीकृत करेंगे और मैं कल प्रस्थान कर जाऊंगा। तो ये 13 दिन का अवकाश हमारे सभी शासकीय कर्मचारियों को, परंतु जो भी शासकीय कर्मचारी जिनको द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को कार्यालय आना होता है उनको 3 दिन का एडिशनल अवकाश मिलता है, तो अर्थात उनको 16 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। तो 13 या 16, जब कैजुअल लीव की बात करते हैं तो कैजुअल लीव हम किसी भी दो छुट्टी वाले दिन, जैसे मान लो कि संडे को छुट्टी रहती है, मंडे को ऑफिस है और हमारा मंगलवार को ऑफिस की छुट्टी है, तो हम जो मंडे का अवकाश है, मंडे का जो दिन है कार्यालय का, उस दिन हम सीएल लगा सकते हैं। तो हमारे सिर्फ सिंगल डे की सीएल काउंट होगी, मींस हमको 3 दिन का अवकाश मिलता है, संडे मंडे और ट्यूजडे को, परंतु सीएल जो काउंट होगी वो होगी सिर्फ सिंगल डे की, मंडे की। तो सीएल हम इमरजेंसी के लिए उपयोग करते हैं। सीएल एक साल में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष को मिलती है, अर्थात 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहती है। एक सीएल हम मतलब कंटिन्यू सीएल हम अधिकतम 3 बार 3 ले सकते हैं, अर्थात एक बार हम 3 सीएल ले सकते हैं। और इमरजेंसी में हमारे कार्यालय प्रमुख पर निर्धारित करता है कि हम कितनी सीएल एक साथ ले पाएंगे। ये हुआ पहला प्रकरण। जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जब यदि एम्प्लॉयज की खुद की शादी है या बच्चे की शादी है या हमको कोई बड़ा काम करना है, कहीं छुट्टी पे जाना है, तो उसके लिए एक नाम सुनते हैं आप, ईएल, अर्निंग लीव, अर्थात अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश ही ऐसे अवकाश होते हैं जिनको पैड लीव्स बोलते हैं, अर्थात कि प्रत्येक एम्प्लॉय को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दो अलग अलग पार्ट में इनको लीव मिलती है। पहली जनवरी को उसके अकाउंट में 15 दिन की लीव हम ऐड करते हैं और फिर एक जुलाई को फिर उसके 15 दिन की लीव उसके अकाउंट में ऐड होती है। यदि इन 15 दिन की लीव को आप यूज नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट में ऐड होते जाती है, अर्थात पूरे कैलेंडर वर्ष में आपको 30 दिन की एल मिलती है, 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। यदि आपने साल में सपोज की 2 या 3 या 5 दिन की ही ईएल लिया है तो बाकी जितना शेष आपकी छुट्टियां बच रही हैं वो आपके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे, वो नेक्स्ट ईयर उसमें ऐड हो जाएंगे। मान लो कि सपोज आपने 5 दिन का उपयोग किया है, 25 दिन आपकी छुट्टियां शेष हैं, तो अगले कैलेंडर वर्ष में 25 दिन आपके एडिशनल ऐड हो जाएंगे। तो ऐसी ये छुट्टियां अर्जित अवकाश हमारे पूरे जीवन का मतलब जो सेवा काल में ऐड होते रहे और ये तब तक ऐड होती हैं, ये 300 डेज तक ऐड हो सकती हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि 300 दिवस तक आप अर्जित अवकाश को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जब आप सेवा काल के बाद रिटायरमेंट होता है तो 300 दिवस का आपको पैसा मिल जाता है यदि आप उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इनको पैड लीव्स बोलते हैं। कि यदि आपने 30 दिन की छा जब हम ईएल या हमारी अर्न लीव या आकाश इनको अर्जित अवकाश की बात करते हैं तो अधिकतम हम एक बार में 120 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, अधिकतम 120 दिन की आप ईएल ले सकते हैं, मतलब 4 दिन। तो ईएल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका अकाउंट या लेखा रखा जाता है, ये हमारी सर्विस बुक में भी एंट्री होती है, सर्विस बुक में पीछे एक कॉलम रहता है जिसमें छुट्टियों का लेखा जोखा रखा रहता है, ते पूरी काउंट होते रहते हैं। हाँ, जब ईएल की बात करते हैं तो जैसे मान लो सपोज कि आपने मंडे से सैटरडे तक ईएल लिया है 6 दिन की, सपोज मंडे से आप सैटरडे तक ईएल लेना चाहते हो, बीच में किसी दिन छुट्टी है, तो उस छुट्टी आपका जो छुट्टी है हॉलिडे है वो आपकी ईएल में काउंट होगी। अर्थात कि आप मान लो मंडे से सैटरडे तक की 6 दिन कि आप छुट्टी लेना चाहते हैं, 20 में 1 दिन की छुट्टी है, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 5 दिन ईएल लेना पड़ेगा, तो 5 दिन नहीं, आपको 6 दिन ही काउंट होंगे। और जबकि सीएल में क्या होता था तो वो छुट्टी माइनस हो जाती थी। ये डिफरेंस है ईएल और सीएल में। ये हुए हमारे दो इंपॉर्टेंट अवकाश जो सभी को जनरली हर एम्प्लॉयज को पता होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे
हाप्य जीव का अर्थात एचपीएल का, अर्धवेतन अवकाश। अर्धवेतन अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 20 दिन का रहता है, अर्थात कि आप जब एचपीएल लगाते हैं तो एचपीएल में आपको आधे दिन का वेतन मिलता है, आधे दिन का वेतन नहीं मिलता है। आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर एक आता है हमारा, आपने सुना होगा प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव। जो महिलाएं गवर्नमेंट जॉब में हैं, मध्य प्रदेश सेवा में हैं, मध्य प्रदेश के सिविल सर्विस नियम के अंतर्गत आती हैं, जिन पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 लागू होते हैं, उनको प्रसूति के समय 180 दिन का अवकाश मिलता है, मतलब 180 डेज, लगभग 6 मंथ की उनकी छुट्टियां रहती हैं। ये अपने डिलीवरी पीरियड्स में ले सकते, इसको मैटरनिटी लीव्स बोलते हैं। जब हम मैटरनिटी लीव्स की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ हम पितृत्व अवकाश या पैटरनिटी लीव की बात करेंगे। पितृत्व अवकाश हमारा 15 दिवस का होता है। ये जब यदि किसी एम्प्लॉयज के बच्चे होते हैं तो उनको 15 दिवस का अवकाश मिलता है। जैसे मैटरनिटी लीव है सिर्फ 2 बच्चों तक अप्लीकेबल है, फेटरनिटी लीव पितृत्व अवकाश की बात करें भी सिर्फ 2 बच्चों के लिए अप्लीकेबल, तो 15-15 दिवस का उसको पितृत्व अवकाश मिलता है। जो पिता है इन 15 दिवस का अवकाश 6 महीने बच्चे के जन्म से 6 महीने के मध्य कभी भी उपयोग कर सकता है। ये हो गया पितृत्व फेटरनिटी लीव। अब इसी के साथ हम बात करते हैं, एक आता है संतान पालन अवकाश या चाइल्ड केयर लीव या सीसीएल। जब संतान पालन अवकाश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पूरे हमारे सेवा काल में 730 डेज का अवकाश मिलता है, 730 दिवस का, अर्थात 2 साल लगभग। इन 730 दिवस में जो हमारी महिलाएं हैं अपने बच्चे के देख रेख पालन पोषण के लिए ले सकती हैं, पर बच्चे के पालन पोषण के लिए कब तक, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बच्चे के लिए, दोनों बच्चों के लिए अधिकतम 730 दिवस है, एक बच्चा हो या 2 बच्चे हो, दोनों के लिए 730 डेज है। जब सीसीएल की हम बात करते हैं तो सीसीएल में ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी अवकाश ले लेता। सीसीएल में पूरे कैलेंडर वर्ष में हम 3 बार ही संतान पालन अवकाश ले सकते हैं। मींस एक बार में यदि आप 10 दिन का ले रहे हैं, 5 दिन का ले रहे हैं, 1 दिन का ले रहे हैं, 15 दिन का ले रहे हैं, तो आप संतान पालन अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 3 ही दिवस का ले सकते हैं। यदि आप संतान पालन अवकाश यदि मंथ के लास्ट कैलेंडर वर्ष में ले रहे हो, वो अगले वर्ष में जाता है तो बैक ईयर में ही एक्ट होता है। और सीसीएल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमको जो सैलरी मिलती है, आप जैसे 730 दिवस से 2 साल की बात करते हैं, जिस दिन हम छुट्टी ले रहे हैं उसके बैक मंथ में जो उसका पिछला मंथ है उसमें जितनी सैलरी मिल रही है उतनी सैलरी आपको उस छुट्टी तक मिलेगी। सेम जो मैटरनिटी लीव की बात की है उसमें भी जब आप छुट्टी में जा रहे हैं उसके पिछले महीने में आपको जितनी सैलरी मिली है, जितना वेतन का भुगतान हुआ, उतना वेतन भुगतान आपको लगातार होता रहेगा। ये हमारा चाइल्ड केयर लीव की बात करें। अब उसके साथ हम बात करते हैं कि आपका मैटरनिटी हो गया, पैटरनिटी हो गया और चाइल्ड केयर हो गया, इसी बीच यदि आपका गर्भपात होता है, गर्भपात में या आप मिसकैरेज की बात करें, आपके पूरे सेवा काल में इसके लिए 45 दिन या 6 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। तो इन 6 सप्ताह पूरे सेवा काल में भी 6 सप्ताह की छुट्टी उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता कि मिस कैरेज में भी हमको कोई छुट्टी मिलती है। बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती हैं कि मिस कैरेज में हमको हमारे पूरे सेवा काल के दौरान हम 6 सप्ताह का छुट्टी ले सकते हैं, इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी, पेड सैलरी रहती है। यदि आप
दत्तक या बात करते हैं हम, यदि आप एडॉप्ट करते किसी बच्चे को, दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन लेते हैं या गोद लेते हैं किसी बच्चे को, तो आपको उसके लिए भी लीव मिलती है। वो लीव है 67 डेज की। यदि आप एडॉप्शन कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं किसी बच्चे को, तो उसके लिए आपको 67 डेज की लीव मिलती है। और वो भी सैम कि जो आपको बैक मंथ में जितनी सैलरी मिल रही थी, उतनी सैलरी आपको लगातार मिलती रहेगी। अब आता है हमारा अध्ययन अवकाश कि किसी व्यक्ति, किसी भी कर्मचारी की 5 साल की सेवा पूर्ण हो चुकी है, मींस उसकी 5 साल की सर्विस हो चुकी है और 3 साल उसका रिटायरमेंट से ज्यादा का समय बाकी है, तो वो अध्ययन अवकाश ले सकता है, मींस उसको एजुकेशन लीव मिल सकती है। और एजुकेशन लीव मिलती है 12 महीने की, एक बार में 12 महीने। ऐसे वो अधिकतम 24 माह की लीव ले सकता है पूरे सेवा काल में। एजुकेशन लीव हमारे अधिकतम 24 माह की मिलती है, मतलब 2 साल लगे। इन सभी लीवों के अलावा एक और लीव होती है अदेय, मींस कि आपके पास कोई भी छुट्टियां सेव नहीं है, कोई भी छुट्टी शेष बाकी नहीं है, तो आपको अदेय लीव, मतलब जिसको बोलते हैं कि आपको उसकी सैलरी पे नहीं होगी, मतलब जीरो, तो इस अदेय अवकाश की जब हम बात करते हैं, ये आपको पूरे सेवा काल में 360 दिन का मिल सकता है, 360 डेज का। कि आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, आपको अर्जेंट काम लेना है, तो आप अधेय अवकाश लगा सकते हैं, नो वर्क नो पे। ये हमारी सामान्य सी छुट्टियां हैं, उनके प्रकार हैं। आपको अवकाश से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 से संबंधित कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली मुझसे बात कीजिए, उसके लिए आप कमेंट कीजिए। परंतु उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।